उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। खबर मैनपुरी से है। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल में रोडवेज की एसी बस बनी आग का गोला, 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे तमाम आला अधिकारी। कहते हैं कि जब मौत सर पे आ जाती है तो जान बचाने के लिए पल भर का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही वाकया मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 77 पर देखने को मिला, जहां एक दिल्ली की आनंद विहार से लखनऊ जा रही रोडवेज की एसी बस देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई और 4 यात्री जिंदा जलकर मौत की आगोश में समा गए। बताया जाता है कि दिल्ली से चलकर लखनऊ जा रही रोडवेज की एसी बस का अगला टायर फटने से बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद बस में अचानक तेज आग लग गई और देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। किसी को भी संभलने का पल भर का भी मौका नहीं मिला। बस में बैठी सवारियों में 1 महिला, 1 बच्चा और 2 पुरुष जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया, जिसमें अभी भी 1 व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को तत्काल सैफई अस्पताल भेजा गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। दिल्ली से लखनऊ जा रही आलमबाग डिपो की एसी बस करहल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 77 पर क्षतिग्रस्त हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लगी है। 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई, जिसमें 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। मौके पर जिलाधिकारी, एसपी, तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं। राहत कार्य जारी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।